Hey there, welcome back to my channel. I hope आप लोग मेरे next vlog का wait कर रहे होंगे. So here we are. Today we are going to explore a very charming, luxurious, royal and pretty smallest, in fact world's second smallest country of the world, Monaco. I have a really interesting कहानी आप लोग को सुनाने के लिए. So actually हम लोग France trip पर थे around the Nice area and then there we decided to go for a one day trip to Monaco. And you know, the interesting part was कि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि मोनाको इज इटसेल्फ अ कंट्री और ये फ्रांस का पार्ट बिल्कुल नहीं है. और ये सब हमको तब पता चला जब हम मोनाको से लिटरली वापस आ रहे थे. I am really crazy about collecting the souvenirs of different countries where I go, but this time I missed Monaco's souvenirs. But I made very good memories for a lifetime, जो आज मैं अपने व्लॉग पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. So before we start, please subscribe to my channel अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो. So here we go. फ्रांस से मोनाको पहुंचना काफी इजी है. द ट्रेन स्टेशन इज नेम्ड मोंटे कार्लो, जो यहाँ का फेमस कैसीनो भी है. आपको यहाँ की रॉयल्टी वाली फीलिंग ट्रेन स्टेशन से ही आनी स्टार्ट हो जाती है. मोनाको में आप जहां पर भी देखोगे वहां आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई जेम्स बॉन्ड मूवी देख रहे हैं. और वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर जेम्स बॉन्ड की काफी सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, इंक्लूडिंग गोल्डन आई एंड नेवर से नेवर अगेन. मोनाको के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है मोंटे कार्लो कैसीनो. ये कैसीनो मोनाको का सबसे बड़ा कैसीनो है और यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं. एंड द बिल्डिंग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन व्हिच इज प्रिंस पैलेस एंड ओल्ड टाउन. ये जो पैलेस है इसमें आज भी मोनाको का प्रिंस रहता है. यू कैन सी ये पैलेस एंड इसके अराउंड एरिया काफी सुंदर एंड इम्प्रेसिव है. दिस पैलेस इज सिचुएटेड ऑन अ हिल व्हिच इज कॉल्ड रॉक ऑफ मोनाको और ले रोचा. अब जब ये पैलेस हिल पर है तो ऑफ कोर्स यू नीड टू हाइक अ बिट. बट ट्रस्ट मी गाइस, वंस यू आर देयर एट द पैलेस तो जो ऊपर से पूरे मोनाको का व्यू आता है ना, दैट इज रियली अमेजिंग. लाइक माउंटेन्स, फ्रेंच रिवेरिया, एक्सपेंसिव यॉट्स, टॉल एंड कलरफुल बिल्डिंग्स ऑल टुगेदर. प्रिंस पैलेस इज ऑल्सो ओपन फॉर पब्लिक बट ओनली इफ प्रिंस मोनाको में नहीं है तो. अदरवाइज बेचारा प्रिंस कहाँ रहेगा यार, सब उसके घर ही देखने आ जाएंगे तो. नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड अराउंड द प्रिंस पैलेस. सो प्रिंस पैलेस के जस्ट सामने है ओल्ड टाउन विच लुक्स क्वाइट पिक्चरस्क्यू और यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड नैरो स्ट्रीट्स भी हैं. यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स, कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप आराम से बैठ के अपनी कोई फेवरेट सी क्यूजीन एंजॉय कर सकते हैं अलोंग विद द ब्यूटीफुल वाइब. नॉट ओनली दिस, ओल्ड टाउन में और भी फेमस अट्रैक्शंस हैं जैसे द मोनाको कैथेड्रल एंड द मोनाको विले म्यूजियम. और अगर यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री एंड कल्चर सो डेफिनेटली यू शुड विजिट देयर. एक और जगह लेके चलूं आप लोगों को विच आई नो यू विल लव टू सी. सो हियर वी आर एट द ओशिनोग्राफिक म्यूजियम. ये म्यूजियम भी रॉक ऑफ मोनाको पर है जस्ट बिहाइंड द ओल्ड टाउन. गाइस आई एम अ पर्सन जिसको सी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट रहता है एंड इफ यू आर ऑल्सो लाइक मी देन दिस प्लेस इज फॉर यू. जहाँ पर सी लाइफ के बारे में बहुत सारे एग्जिबिट्स और इंटरैक्टिव डिस्प्लेज हैं. वी कैन ऑल्सो सी डिफरेंट सी क्रिएचर्स जैसे कि शार्क्स, टर्टल्स, सी हॉर्सेस, जेलीफिश एंड ऑक्टोपस. इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज के स्केलेटन्स और फॉसिल्स भी देख सकते हैं. इस म्यूजियम का एक और यूनिक अट्रैक्शन है द शार्क लगून. और ये भी इक्वली इम्प्रेसिव एक्वेरियम है जहाँ पर आपको बहुत सारे शार्क्स और दूसरे सी क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं. एंड यू नो व्हाट गाइस, इस एक्वेरियम में ना एक ग्लास टनल भी है जहाँ से आप शार्क्स और दूसरे सी क्रिएचर्स को बहुत ही क्लोज रेंज से देख सकते हैं. ओह आई होप यू कैन इमेजिन ये सब देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा. वेट वेट वेट, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुंदर सा गार्डन कहाँ पर है.
So, let's talk about this beauty now. Yes, Zarda Exotica, which is also known as the Exotic Garden of Monaco. तो ये एक botanical garden है, जो एक काफी steep slope पर बना हुआ है. यहाँ पर एक बहुत ही stunning collection है rare and exotic plants का from all over the world. And you know, the impressive feature of this garden is its collection of over 1000 species from different parts of the world. यहाँ इस garden में काफी सारे cactus plants भी हैं. As you can see here, the heights are different. Even the categories are also different, which is one of the most extensive in Europe. I hope you have enjoyed watching my vlog. Please give it a thumbs up. And अगर आप लोगों को मेरी इस तरह की travel videos अच्छी लगती हैं, तो please मुझे comment box में ज़रूर बताएं, because I really value your opinion. See you in my next vlog, guys. Goodbye. I can lay down beside